रिस्ट्रक्चर ऑफ़ इंटरेस्ट रेट को जो दूसरा अहम फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है दैट इज़ द लिक्विडिटी ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय लिक्विडिटी वी मीन हाउ क्विकली और इजीली अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश सो जितना आसानी के साथ आप किसी भी बॉन्ड को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उतना ही वो ज़्यादा लिक्विड कहलाता है और उतना ही वो ज़्यादा डिज़ायरेबल भी होता है तो इफ़ वी लुक एट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट लोग ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ज़्यादा डिमांड करते हैं या इन्वेस्ट करना ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को ज़्यादा लेना या उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिसको रेडीली कैश में कन्वर्ट किया जा सके और इस बिना के ऊपर अगर हम प्रायरी बॉन्ड्स को देखें और कॉरपोरेट बॉन्ड्स को देखें तो क्योंकि ट्रायरी बॉन्ड्स इशूड बाय द सेंट्रल बैंक होते हैं इसलिए उनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है लिहाजा वो बहुत जल्दी आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं आप उनको बैंक में जाके वापस कर सकते हैं लिहाजा आप जब हम लिक्विडिटी के परस्पेक्टिव से इवेल्युट करते हैं टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स को तो लिक्विडिटी हायर है ट्रायरी बॉन्ड्स की एज़ कम्पेयर टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इतना आसानी के साथ आप कन्वर्ट नहीं कर सकते कॉर्पोरेट बॉन्ड को कैश के अंदर क्योंकि सपोज अगर आपको आपके पास कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं इशू किए हुए किसी एक कंपनी के कंपनी ए ने इशू किए हुए वो और आप उसको मार्केट में लेके गए आपको पैसे चाहिए कैश के फॉर्म में तो आप उसको उस सकत तक बेच नहीं सकते जब तक आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के बॉन्ड का ख़रीदार नहीं मिल जाएगा लेकिन ट्राइवरी बॉन्ड्स के लिए ऐसा मसला नहीं है क्योंकि इट इज़ इजी टू सेल देम, वेराज़ कॉर्पोरेट बॉन्ड में डिफ़िकल्टी है कि उस वक्त तक, जब तक आपको उसका ख़रीदार इंटरेस्टेड इन्वेस्टर नहीं मिलेगा आप उसको बेच नहीं सकते या अपने डिज़ायर्ड रेट पे बेच नहीं सकते तो अभी इस वजह से हम समझते हैं कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है उसका लिक्विडिटी का एस्पेक्ट उसको लेस डिज़ायरेबल बना देता है और चूंकि वो लेस डिज़ायरेबल हो जाता है लो लिक्विडिटी की वजह से कॉरपोरेट बॉन्ड्स की जो प्राइस होती है दैट इज़ दैट बिकम्स रिलेटिवली लो और उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ऑफर करना पड़ता है इस वजह से क्योंकि उसकी कीमत कम है उसका डिमांड कम है उसके लिक्विडिटी के कम हो जाने की वजह से जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वहाँ क्योंकि लिक्विड लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो उनको आसानी के साथ कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है इसलिए वो मोर डिज़ायरेबल हैं उनका डिमांड हाई होगा उसका प्राइस हाई होगा उसके ऊपर रेट रेट ऑफ़ रिटर्न या इंटरेस्ट रेट काफ़ी लो होगी तो जब हमें लिक्विडिटी की पर्सपेक्टिव से अगर हम इवेलुएट करते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड्स को और ट्रेगरी बॉन्ड्स को तो हमें दोनों के इंटरेस्ट रेट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है तो हम फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के टर्म्स में इस फर्क को बोलते हैं स्प्रेड तो स्प्रेड का मतलब होता है कि जो दो तरह के बॉन्ड्स हैं उन पे जो इंटरेस्ट रेट है उनमें फ़र्क ज़्यादा है या कम है इस पर्टिकुलर चीज़ को देखने के लिए हम स्प्रेड की स्प्रेड के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं तो इफ़ द देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी बिटवीन द टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स द स्प्रेड विल बी हायर